नमस्कार दोस्तों, आज जो है वो आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है वो बीएड का और एमएड का और इंटीग्रेटेड कोर्स का यहाँ पर जो है वो एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि टाइम टेबल तो आ चुका है, बट यहाँ पर जो है वो अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार के एडमिट कार्ड के बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो कब आएगा उसके बारे में जानकारी बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम स्टार्ट है वो आपका 2 अगस्त कब से स्टार्ट है, 2 अगस्त से स्टार्ट है। अगर बात कर दें कि कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बीएड की, किसकी, बीएड और एमएड, बीएड एमएड और इंटीग्रेटेड कोर्स जो फोर्थ ईयर है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 2 अगस्त से सभी का जो है वो क्या है, स्टार्ट है एग्ज़ाम। इसका जो है वो एडमिट कार्ड के बारे में आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे उसके बारे में सूचना दीजिए। तो एडमिट कार्ड देखिए, 2 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है। जो एडमिट कार्ड आता है वो आता है आपका 4 या 5 दिन पहले जो है वो आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 4 या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। तो आप मान के चलिए कि आपका 27 या 28 क्या जुलाई को आपको जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। 2 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है, 27 या 28 तारीख को जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए ऑफिशियल किसी प्रकार की अपडेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट संभावित तारीख आपको बता रहा हूँ, या तो 27 को या 28 को जो है वो क्लियरली आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन जैसे कि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी, आप उसको निकाल सकते हो। फिलहाल गाइस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा वो 100% होगा। पिछले साल कई सालों से जैसे कि हो रहा है कि 50% जो है वो पेपर अटेंड करना होता है, 50% यूनिवर्सिटी देती, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब की बार जो है वो क्या होगा, 100% जो है वो आपका थ्योरी करना होगा। 100% में से ही आपको जो है वो क्या है वो आपको नंबर लेके आना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना है उसके बारे में कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। पासिंग मार्क्स के बारे में क्या है, पासिंग मार्क्स के बारे में जो है वो कंप्लीट मैंने जानकारी दे रखी है कि कौन से सब्जेक्ट में। देखिए सभी सब्जेक्टों का अलग अलग है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना आपको पासिंग मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए, तो वो चीज़ मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। साथ में इसके अलावा जो है वो देखिए पासिंग मार्क्स बता दिया, इसके अलावा मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना पेपर का पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्ट का कितने नंबर का जो है वो पेपर होगा उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर जाके उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। साथ में प्रैक्टिकल कितने का होगा सारी डिटेल्स वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।